हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं किसी भी नंबर का रिवर्स नंबर कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से इंटीजर एन, उसके बाद सीएलआर एससीआर लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट सीएच लिख देता हूँ। अभी जो हमने ऊपर नंबर डिक्लेयर किया है उसको हमें यूजर के पास से लेना है, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर एन, उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस स्कैनएफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू 257 है, यानी कि उसका जो भी रिवर्स नंबर बनेगा वो होगा 752। लेकिन ये टास्क हमें प्रोग्रामेटिकली करने के लिए हर एक डिजिट को हमें सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेट करने के बाद उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी किसी भी नंबर को सेपरेट करने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका हमारा है जिसके अंदर हम 257 में से 2 अलग कर देते हैं और उसके बाद 57 हमारे पास रिमेन रहता है। सेकंड केस के अंदर 5 को अलग करते हैं और 7 हमारे पास रिमेन रहता है, और थर्ड केस के अंदर 7 हम अलग करते हैं और हमारे पास 0 बचता है। सेकंड केस के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 257 में से हम 7 को अलग करते हैं और उसके बाद हमारे पास 25 बचता है। सेकेंड इटरेशन में हम 5 को अलग करते हैं और हमारे पास 2 बचता है, और थर्ड इटरेशन के अंदर हम 2 को अलग करते हैं और हमारे पास 0 बचता है। अभी फर्स्ट सिनेरियो के बारे में हम सोचे तो 257 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 257 को हम 100 से मॉड्यूल करेंगे तो हमें 57 मिलेगा। उसके बाद 57 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 5 मिलेगा, और 57 को अगर हम 100 से मॉड्यूल करें तो हमें 7 मिलेगा, और लास्ट केस के अंदर हम 7 को 1 से डिवाइड करें तो 7 मिलेगा, और 7 को 1 से मॉड्यूल करें तो हमें 0 मिलेगा। अभी सेकंड सिनेरियो के बारे में देखें तो 257 को हम 100 से मॉड्यूल करें तो हमें 7 मिलेगा, और 257 को हम 100 से डिवाइड करें तो हमें 25 मिलेगा। उसके बाद 25 को 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 5 मिलेगा, और 25 को हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलेगा, और लास्ट केस के अंदर 2 को 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 2 मिलेगा, और 2 को अगर 10 से डिवाइड करें तो हमें 0 मिलेगा। अभी फर्स्ट केस हम देखें तो फर्स्ट केस के अंदर हमने 100, 10 और 1 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूल किया, और सेकेंड केस के अंदर हमने सिर्फ 10 से डिवाइड एंड मॉड्यूल किया, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड जो हमारा वे है वो हमारा पहले वे से थोड़ा इजी वे है, यानी कि हम अब सेकंड केस के ऊपर मूव होते हैं। अभी यहाँ पे 257 और कुछ नहीं, हमारा n ही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि n मॉड्यूलो 10, और उसके बाद 257 डिवाइड बाय 10 लिखा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि n डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट इटरेशन के अंदर 25 मॉड्यूल 10 हमने लिखा है, लेकिन वो हमारा n नहीं है, यानी कि अगर हमें n मॉड्यूल 10 यहाँ पे लिखना है तो हमें n की वैल्यू 25 चाहिए, और अगर हमें n की वैल्यू 25 चाहिए तो हमें उसके पहले वाले इटरेशन के अंदर n की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अभी ऊपर हम देखें तो n डिवाइडेड बाय 10 का आंसर 25 ही है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम उसको n बना दे तो नेक्स्ट इटरेशन यानी कि सेकेंड इटरेशन के अंदर हमें n की वैल्यू 25 मिलेगी, और उसके बाद अगर हम उसके ऊपर फिर से n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 ऑपरेशन करें तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हमें n की वैल्यू 2 मिलेगी। उसके बाद n मॉड्यूल 10 यहाँ पे भी करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, और n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 लिखते हैं तो हमें 0 मिलेगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक n की वैल्यू 0 है तब तक हमें ये टास्क परफॉर्म करना है। और हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने ये टास्क को 3 बार परफॉर्म किया है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूं,
उस लूप के अंदर हमें एक कंडीशन रखने की जरूरत पड़ेगी। हमने अभी अभी देखा कि जब तक n की वैल्यू जीरो ना हो तब तक हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब तक n की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो तब तक हमें ये टास्क परफॉर्म करना है। उसके बाद हमने हर एक इटरेशन के अंदर n मॉड्यूल 10 परफॉर्म किया और n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 परफॉर्म किया। अभी जो n मॉड्यूल 10 का आंसर है उसको स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से r। अभी हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू 7 है और अभी हमने सिर्फ पीछे वाला एक ही डिजिट देखा है और अगर हम उसका रिवर्स भी करते हैं तो उसका रिवर्स भी 7 ही मिलेगा। नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हम जाएंगे तब हमारे पास r की वैल्यू 5 मिलेगी, यानी कि हमने पीछे वाले दो डिजिट को विजिट कर लिया है और अगर उन दोनों डिजिट का अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमें 75 मिलना चाहिए। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो रिवर्स की पुरानी वैल्यू थी उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो भी हमारी r की वैल्यू आई उसको हम ऐड करेंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। अभी लास्ट इटरेशन के अंदर हमें r की वैल्यू 2 मिलेगी और अगर हम उसको भी रिवर्स करना चाहे तो हमें आउटपुट के तौर पे 752 मिलना चाहिए, जो कि हमारे जो प्रीवियस रिवर्स की वैल्यू थी 75 उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमें 752 मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने और कुछ नहीं किया लेकिन हमारी जो भी रिवर्स की पुरानी वैल्यू थी उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर हमने जो करंट r की वैल्यू थी उसको ऐड किया। लेकिन फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमने ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया जहां पे हमारे पास रिवर्स की वैल्यू नहीं थी। सो अगर हम रिवर्स की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेते हैं और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही रहेगा और अगर उसके अंदर हम 7 ऐड करते हैं तो हमें 7 ही मिलेगा। यानी अब रिवर्स के लिए भी हमारा कॉमन इटरेशन बन चुका है तो वही इटरेशन हम यहाँ पे लूप के अंदर लिख देते हैं। लेट्स से रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस r और लूप के बाहर एक बार हम रिवर्स की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और रिवर्स। अभी जो लूप के अंदर हमने r और रिवर्स नाम के दो वेरिएबल को यूज किया है वो ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किए तो ऊपर मैं वो दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से r और रिवर्स, और रिवर्स की इनिशियल वैल्यू हमने 0 एज्यूम की थी वो यहाँ पे मैं ले लेता हूं। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है तो प्रोग्राम को हम पहले सेव कर देते हैं उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं जहां पे मैं एन की वैल्यू 257 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू 752 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि हमने 257 के लिए हमारे कोड का मैनुअल कैलकुलेशन किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 603 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 306 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है लेकिन n इज इक्वल्स टू 603 के लिए हमने मैनुअल कैलकुलेशन नहीं किया लेकिन आप खुद उसका मैनुअल कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हो कि हमारा आउटपुट वो कोड के थ्रू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू -5678 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे रिवर्स नंबर के तौर पे 0 मिल रहा है जो कि गलत है क्योंकि यहां पे हमने n की वैल्यू नेगेटिव इंसर्ट की है और जब भी हम लूप के अंदर जाएंगे तो लूप के अंदर पहली बार ही हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी और इसी वजह से हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और रिवर्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0 वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। यानी कि अगर हमें नेगेटिव नंबर के लिए भी इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है तो लूप से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा नंबर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। सो व्हाइल लूप के बाहर मैं एक बार लिख देता हूं कि इफ हमारी n की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हमें n की वैल्यू को पॉजिटिव करना है, यानी कि हम सिंपल लिख देते हैं कि n इज इक्वल्स टू माइनस n। अभी हमने लिखा था कि n की वैल्यू -5678 थी तो यहाँ पे हमारे इफ स्टेटमेंट की कंडीशन सही होगी
और हम इफ स्टेटमेंट की बॉडी में आएंगे, जहां पे हमने n इज इक्वल टू माइनस n लिखा है, तो n की वैल्यू हमारे पास 5, 6, 7, 8 हो जाएगी। और उसके बाद n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 के लिए हमारा while loop अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रोग्राम को एक बार फिर से सेव कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि n की वैल्यू अगर मैं -5, 6, 7, 8 इंसर्ट कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट के तौर पे 8, 7, 6, 5 मिल रहा है। अभी यहां पे हम ध्यान से देखें तो हमारे जो भी नंबर्स थे वो रिवर्स हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो साइन थी वो साइन यहाँ पे हमें मिली नहीं है। तो उसके लिए हमें साइन को भी स्टोर करना पड़ेगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हमारी वैल्यू नेगेटिव हो उस टाइम हम साइन की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। लेट्स से साइन को हम -1 से स्टोर कर देते हैं और लास्ट में हम जो भी हमारा आंसर आता है उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जब भी हमारा नंबर नेगेटिव होगा तो रिवर्स का जो भी आंसर आएगा उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आउटपुट हमें सही मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे जो हमने साइन नाम का वेरिएबल का यूज किया है वो हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट से साइन, और उसकी इनिशियल वैल्यू हम 1 से डिक्लेयर करते हैं। यानी कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव होता है तो नंबर में हमें कोई चेंज करना नहीं है, लेकिन अगर हमारा नंबर नेगेटिव होता है तो हम साइन की वैल्यू को -1 कर देते हैं और नीचे जब -1 से मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर मिलेगा तो हमें सही आंसर मिलेगा। तो एक बार प्रोग्राम को हम फिर से सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू -5, 6, 7, 8 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे -8, 7, 6, 5 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। यानी अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का रिवर्स नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।